रियल नागिन 5 में आदि नागिन यानी कि बानी की जान खतरे में थी, लेकिन बहरूपिया आकेश के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। लगता है उन्हें भी हो गया है बानी से इश्क। तभी तो आसमान के ऊपर से बानी को नीचे फेंका और नीचे पूरी फौज खड़ी थी, शुक्ला, मयूरी और जय बानी को खंजर से खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर आकेश ने बानी को नीचे गिरने नहीं दिया, उसे बीच में ही थाम कर जमीन पर प्यार से बानी को उतारा। इस बात पर जमकर फाइट हुई आकेश और जय के बीच, पर आकेश ने कहा कि वो अपने हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन जब पता चला कि जय के पास उसकी किस्मत की चाबी है, तो आकेश को मजबूरन झुकना ही पड़ा और आकेश ने जबान दी कि कल वो बानी को खत्म कर देगा। अब बानी को डाउट हो रहा है कि ये वीरांशु नहीं बल्कि कोई बहरूपिया ही है। जैसे उसने जय की बात करते वक्त उसे धाबे वाला नहीं बोला, और तो और बेड पर लगा पर्दा तो वीरांशु ने लगाया था, लेकिन बातों बातों में आकेश ने बोला कि ये पर्दा तो तुमने लगाया है। इन छोटी छोटी बातों से बानी को हो रहा है आकेश पर शक। लेकिन लग रहा है कि अब ये शक बदलेगा यकीन में। जी हाँ, बानी का शक यकीन में बदल सकता है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई है। गंधक पत्थर है बानी के पास, जिसे ढूंढ रहे हैं चील। वो पत्थर बानी के कमरे से निकलकर बाहर आ गया है और सब चीलों पर वार कर रहा है। इसे सिर्फ वीर ही काबू में कर सकता है, इसीलिए वीर के पिता वीर को ले आते हैं कि अब वो इस पत्थर को वश में करे। पर ऐसा करने के बजाय जनाब तो हंस रहे हैं, उन्हें न जाने कौन सा मजा आ रहा है। बानी ये सब देख लेती है और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बानी इस बहरूपिये आकेश के सच तक पहुंच पाएगी या नहीं, और अपने वीरांशु को बचा पाएगी या नहीं। जानने के लिए बने रहिए फीफा फूस टीवी के साथ।